कंसेप्ट समझेंगे रिस्टोरिंग फोर्स का फोर्स विच टेंड्स टू मूव दी बॉडी बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन वो फोर्स जो कोशिश करे ऑब्जेक्ट को अपने ओरिजिनल पोजिशन की तरफ लाना वेन दी अप्लाइड फोर्स इज जब अप्लाइड फोर्स को रिमूव किया जाए तो ऐसे किस्म की फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं एग्जाम्पल देखते हैं ये है ओरिजिनल पोजिशन पेंडोलम की जब हमने पेंडुलम को डिस्प्लेस किया पोजीशन किसी भी ए की तरफ तो अब क्या होगा इस एक्स डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे एक फ़ोर्स लगेगी इस ऑब्जेक्ट पे जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे उसको लाना चाहेगा तो वो फोर्स जो होगी वो रिस्टोरिंग फोर्स होगी ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे देखें लेट सपोज दिस इज़ एन अदर डिस्प्लेस्ड पोजिशन बी ये जब डिस्प्लेस्ड पोजिशन बी की तरफ आएगा तो फिर फिर से ये ऑब्जेक्ट जो है इस पर फोर्स लगेगी जो फोर्स इसको ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लाना चाहेगा तो वो जो फोर्स होगी वो रिस्टोरिंग फोर्स होगी ठीक है तो ये आपको समझ आ गई होगी कि वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया जाता है अप्लाइड फोर्स लगा के ठीक है तब जब हम अप्लाइड फोर्स रिमूव करते हैं तब जो फोर्स लगती है ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए उस फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स उसके अलावा मास स्प्रिंग सिस्टम में देखते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम में भी आपके पास ये फोर्सेस लगते हैं ये देखें ये मीन पोजीशन है ओरिजिनल पोजीशन है स्प्रिंग की जब हम स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हैं एक्सटेंडेड पोजीशन ये हो गई जब हम इसको फोर्स लगा के एक्सटेंड किया हमने स्प्रिंग को जब वो फोर्स हमने अप्लाइड फोर्स रिमूव किया जब अप्लाइड फोर्स रिमूव किया तो ये इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगेगी जो ऑब्जेक्ट को अपने मेन पोजीशन की तरफ यानी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लाना चाहेगा तो वो जो फोर्स होगा वो रिस्टोरिंग फोर्स होगा जब अप्लाइड फोर्स रिमूव किया तो वहाँ पे जो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा वो ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा वो रिस्टोरिंग फोर्स था जो ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर लाना चाह रहा था ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर कम्प्रेस पोजिशन जब कंप्रेस हो जाता है स्प्रिंग तो फिर क्या होगा यहाँ पे अब फोर्स लगेगी ऑब्जेक्ट को किसकी तरफ अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ फोर्स जो ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लाना चाहेगा ऑब्जेक्ट को वो जो फोर्स होगा वो रिस्टोरिंग फोर्स होगा अब दोनों कंडीशन में देखें जो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स मीन पोजिशन यानी ओरिजिनल पोजिशन की तरफ है ऐसे ही बाल एंड बाउल एग्जाम्पल में हमने देखा था कि बाल अगर ये इस पोजिशन में था रेस्ट में था ठीक है ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है यानी मीन पोजीशन जब बाल को किसी पोजीशन ए पे लेके गए हम बाल को किसी पोजीशन ए पे लेके गए तो ऑब्जेक्ट जब ए की तरफ गया तो अब ये इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगना स्टार्ट होगी जो फोर्स ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लाना चाहेगी इस पोजीशन पे तो वो जो फोर्स होगी वो रिस्टोरिंग फोर्स होगी ऐसे ही सेम कंडीशन लेट सपोज दिस इज पोजीशन बी ये बी पोजीशन है इस पर फिर जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा तो इस पर फिर से फोर्स लगेगी जो ऑब्जेक्ट को अपनी मीन पोजीशन की तरफ लाना चाहेगा सो so, ये है इसकी मीन पोजीशन तो इस पर जो फोर्स लग रही थी बी पे तो ये है थी रिस्टोरिंग फोर्स जो ऑब्जेक्ट को अपनी मीन पोजीशन यानी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लाना चाह रहा था तो ये थी रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में कॉन्सेप्ट रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो अप्लाई करते हैं वो रिमूव कर देते हैं तो तब एक किस्म की फोर्स लगती है उस ऑब्जेक्ट पे जो ऑब्जेक्ट को अपने मीन पोजीशन की तरफ लाना चाहता है वो फोर्स होता है रिस्टोरिंग फोर्स सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिस्टोरिंग फोर्स आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा